तो संगवारी अभी हम राजमहल में प्रवेश करने वाला है और जूते चप्पल बाहर निकालना है। यहाँ पे नोटिस दे हुए है और यहाँ आप मन देख सकते हो आंगा देव मन है भी। चलो अंदर प्रवेश करके देखते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी रथ बना रहा है बस्तर का। जय जवाहर संगवारी हो, जैसे हो, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। अभी हमन जावत हन जगदलपुर ल देखे बर काली कहान। रात में घूमे लेकिन समझ नहीं से अभी हमन दिन मान घूमे जाथन और साथ ही साथ हमारे गांव के हॉस्टल में रहते प्यास वाला वहां भी जाथन मिले बर। तो वीडियो में बने रहो और आप मन पूरा जगदलपुर के नज़ारा देखे ला मिली संगवारी हो। हमन घूमना है तो वीडियो में बने रहो। हम निकल गए संगवारी हो, 3 सीट जाने वाले हैं, देखते हैं का होते। तो चलिए बस सागर बड़े तरिया है संगवारी हो, कम से कम 2 किलोमीटर तो कर पारे छावे। उनका नाम है दलपत राव सागर चौराहों का शहर, जिसे जगदलपुर के नाम से जाना जाता है। संगवारी हो अभी हमन हन लाल बाग ग्राउंड में और हमन अभी संगवारी हॉस्टल खोजत हैं जो अब प्रयास आवासीय विद्यालय हरे ओला बस्तर मड़ई एवं 2024 और मेला चलत ही संगवारी तो संगवारी हो अभी हमन प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर में पहुंच गए। यहाँ के नज़ारा आप मन दिखाबो और जेकर से मिले लहन ओकर से मिलते हैं तो नहीं मिलन ओला देखे ला कि मिले दी कि नहीं दीते। तो चलो आप मन यहाँ के व्यूज दिखाते हैं। देख सकते हो संगवारी हो प्रयास आवासीय विद्यालय जगदलपुर और यहाँ हमारे गाँव के लड़के भी पढ़ते। हमारे गाँव खेत नहीं पूछना तो ये ग्राउंड है रे। और अभी हमन अंदर प्रवेश कर चुके हैं। एक कंप्यूटर लैब है और अभी हमन जाते हैं संगवारी हो। अभी हमन हैं ओमेश्वर के रूम में और आप मन देख सकते हो कि प्रयास आवासीय विद्यालय के रूम कैसे रहते हैं। और अभी मोशन है का नाम है तो देवधर करण सलेश नितेश और ओमेश्वर और मैं। तो अभी हम थोड़ा सा घूमो आप मन दिखाबो कि ये विद्यालय कैसे रहते। तो वीडियो में बने रहो संगवारी, बहुत अच्छा लगी से हमारे गांव के लड़का से मिले हैं देवदार से मिले हैं। तो हाँ आके अब हम नीचे जावा था तो भाई मन से मिले हैं, अच्छा लगी से अब नीचे जाते हैं थोड़ा से घूमो और बाद हमन फिर वापस जगदलपुर जाना है। ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह से है हमारी। अब हम निकल गए हैं विद्यालय से या हॉस्टल से, अब हम थोड़ा से बाहर निकले हैं घूमेला। हमें मतलब छोड़े लाते गेट तक संगवारी। अभी हम हॉस्टल से निकल के होटल में आए नाश्ता करे बा और सब हम करे थे नाश्ता। चले का का बना थे? आलू भजिया, गुलगुल भजिया का, गुलगुल भजिया का और समोसा भी है। और का वाला बड़ा है झलका बरा? अरे पता नहीं मुझे समझ नहीं लेकिन का बरा रहते। तो ठीक अच्छा लगा थे, 22 रुपए प्लेट लगा है भैया। चलो संगवारी हो अब हम यहाँ से जाथन स्कूल से हॉस्टल से अब सीधा जाथन हम जगदलपुर। बहुत अच्छा लगी नाश्ता वगैरह करें और बाद अब जावा था जगदलपुर। जगदलपुर से हम आओ कहीं जाबो थे आप मतलब वीडियो में जरूर दिखाबो। दोस्तों अभी हम लोग हैं गंगा पंडित गंगाधर सामंत बाल पुरातत्व संग्रहालय बस्तर में। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ अंदर जाने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो कैसा लगेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रवेश निःशुल्क है, संग्रहालय का खुलने का 10 बजे से शाम 5 बजे तक है और सोमवार के बंद रहते। तो प्रवेश द्वार कुछ
इस तरह से हावे और हमन आहन सलेस में और नितेश। तो पहले एंट्री हमला यह मिलते गणेश जी के, ये भी प्राचीन हुई प्रतत्व विभाग द्वारा ऐसे कहा था। और लास्ट टाइम एक मन के रिव्यू लेना है, एमन पहली बार आते साथ साथ महू पहली बार आता हूँ। अरे ऐसी ना संगवारी हो, बस्तर संभाग के राज्य संरक्षित स्मारक है, यहाँ पे प्राचीन ईट मंदिर गढ़ धनोरा है, जगदलपुर से 132 किलोमीटर है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिटेल दे हुए है। यहाँ आके हमने ये जो है संरक्षित स्मारक में हम जाके देख सकते। संगवारी हो पुरातत्व संग्रहालय में जगदलपुर के एम एल रखे गए है, बहुत ही सुंदर लगत है। और एक जो आप मतलब फोटो हमारे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए जगदेव कुमार व्लॉग, तो जाके बिल्कुल जाके फॉलो करो। लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे प्राचीन मूर्ति, और हम लोग पहले अंदर जाके देखेंगे उसके बाद बाहर में आप लोगों को दिखाएंगे। बाहर का नज़ारा कुछ इस तरफ से है, इधर से हम लोग आए हैं अभी। केसकाल घाटी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, केसकाल घाटी है, यहाँ से बस्तर का प्रवेश द्वार। ये गर्दन हो रहा है, यहाँ गिरे हैं हम ना, यहाँ गिरे हैं गर्दन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बस्तर की संस्कृति यहाँ पे दिखाया गया है। संगवारी हो आप मन जगदलपुर के पुरातत्व संग्रहालय में आ सकते हो, अगर पूरा आप मन बस्तर के जानकारी चाहिए तो पूरा पर्यटन स्थल के बारे में पता चल जाए। साथ ही साथ यहाँ संगवारी हो पूरा प्राचीन पुरातत्व जो मूर्ति है उमल भी रखे गए, आप मन पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक आप मन देखे मिली। तो वीडियो में बने रहो संगवारी हो, अभी हम जाते हैं दंतेश्वरी मंदिर की। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी रथ बना रहा है बस्तर का, और अभी भी भीड़ लग चुका है मेला।
रात में तो बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है इधर। और यह है दोस्तों सिरहा सार भवन जगदलपुर। तो सिरहा माँ नीचे रुका थो ऐसे कथन, और वो देख सकते हो रथ ओला खींच थे। और ये तीन मौली माता का मंदिर है। रेतिन अभी हमारा अंदर प्रवेश करके दिखाते हैं आप मल्ला, प्रवेश करते हैं। और आप मल्ला बता देते संग मारियो कि यहाँ वीडियोग्राफी कोई मना नहीं है। सब देवमान के नाम लिखा है। संगमारी मौली माता के दर्शन करें और कंकाली माता नागदेव काठदेव बहुत अकन देव यहाँ अभी आप माला यहाँ दर्शन करवाएं। और हनुमान करे संग अच्छा लगा थे। अब यहाँ तो ऐसे लगा थे हमारा जा नहीं पाते, बहुत ही अच्छा देख नया नया जगह देखने मिल रहा थे। और बढ़िया से मार्केट लगे है दूर दूर से, यहाँ एक से एक बस्तर के जो आर्ट है वो हमारा देखे मिल रहा थे। 100 में 200 में यहाँ पे फाइल मिला था संग रही हो। तो पूरा सुबह से आज तो मार्केट लग गए है। और ये हरे रथ जो रात में खींची है ला, और जो राजमहल है ये दे दंतेश्वरी मैया के मंदिर ओपार है, आप मन देख सकते हो। अपन अपन जगह जाते से लगते मोला तो
ये प्रवेश द्वार है संगवारी हो दंतेश्वरी माता मंदिर के। हमारी हो पहली बार हमन यहाँ आहन और अभी सब आंगा मन है ये राजमहल से जावा थे तो हमें कुछ समझ नहीं आते कहाँ जाते कैसे जाते हमन अभी जानकारी ले कोशिश करते हैं। संगवारी धीरे धीरे वीडियो में बने रहो हमने आप मन सब जानकारी देने वाला है। तो संगवारी हो अभी हमन राजमहल में प्रवेश करने वाला है और जूते चप्पल बाहर निकालना है यहाँ पर नोटिस दे हुए है और यहाँ आप मन देख सकते हो आंगा देव मन है भी। चलो अंदर प्रवेश करके देखते हैं। राजमहल कुछ इस तरह से है और ये राजा के फोटो जो बस्तर के पहली महिला शासिका मस्त लगा संगवारी हो। और चलो प्रीर यहाँ पे प्रीरचंद भंज देव के फोटो यहाँ पे रखे गए हैं। तो राजमहल के कुछ नजारा इस तरह से हावे। संगवारी हो अभी हमन राजमहल में हवन आप मन देख सकते हो जितना भी आंगा देव है ऊपर से देखे गजब के नजारा लगती। हाँ यार मैं तेल देख भी नहीं ध्यान ही नहीं देते ना तेल महल हरे भैया। तो अभी घर जाते हैं काबर जी खाना वाना खा पाओ हम सुबह के निकले रहे हैं बहुत ही अच्छा लगी यहाँ और फिर से अब खाना खा के लिए तो हम देखते हैं कहा करते हैं अभी घर जाते हैं मोबाइल में चार्जिंग वगैरह करना है और खाना वाना भी खाना है।